करवाएगा उतने घंटे के पैसे देंगे, रेट भी उन्हीं के होंगे। कर्मचारियों के जितने महकमे थे सारे तोड़ दिए गए, सारे देश को प्राइवेट कर रहे हैं, सारे देश को बेच रहे हैं। साथियों, देश बेचने के लिए आजाद नहीं करा था, देश के हवाई अड्डे बेच दिए, देश की सड़कें बेच दी, कंपनियां बेच दी, देश के बैंक बेच दिए, देश की रेलें बेच दी। छोटा क्या है देश का, सारा देश से रुपये लगा दिया गया है। ये देश बीजेपी वालों ने आजाद नहीं कराया था, ये आरएसएस वाले, ये तो देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था, इनका 1% योगदान नहीं था। इन आरएसएस वालों ने 60 साल तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, तिरंगा झंडा नहीं लगाया अपने दफ्तर के ऊपर। इनको क्या दर्द है हिंदुस्तान के बिकने का? आज ये हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाते हैं, कहते हैं लाल किले के ऊपर झंडा गड़ा दिया। हम नहीं कहते कि ठीक था झंडा चढ़ाना, इन्हीं का आदमी था। मोदी के साथ फोटो मिल रही है, अमित शाह के साथ उसकी फोटो मिल रही है, शरारत करवाई है। लेकिन फिर भी जो झंडा चढ़ाया गया वो धार्मिक निशान था, ना कि वो खालिस्तानी झंडा। तो उसको खालिस्तानी झंडा बना के हमारे में फूट डाली गई, हमारा कत्ल करा दिया होते इन्होंने। साथियों, आज हमें ये तिरंगे की इज्जत सिखाते हैं। अरे हमारे तो जवानों की लाशें लिपट लिपट के आती है तिरंगों में, कोई एक बता दे किसी एक पूंजीपति का बेटा तिरंगे में लिपट के आया हो, किसी एक पूंजीपति का बेटा देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ हो। ये हमें तिरंगे की इज्जत सिखाते हैं, ये हमें सिखाते हैं आजादी क्या है, ये हमें सिखाते हैं भारत की, भारत का सम्मान क्या है। साथियों, हमारी जिंदा रहने की लड़ाई है, और जिंदा रहने के लिए केवल आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वोट देने से बात नहीं बनेगी, वोट तो हम जाति के नाम पे देते हैं, धर्म के नाम पे देते हैं, इलाके के नाम पे देते हैं, वोट हमने कभी कारोबार के नाम पे दी ही नहीं। सभी हमारे सम्मानित साथीगण, नेतागण, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बातें शक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, सबसे पहले तो हम आज के सभा के आयोजकगणों को धन्यवाद करना चाहेंगे। आभारी हैं उनके, जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया, और कई दिनों से हमें पता लग रहा है कि बहुत मेहनत ये लोग कर रहे हैं। रात तूफान आया, उसमें टेंट भी उड़ गया, लेकिन बहुत अच्छा इंतजाम इन भाइयों ने किया है, इनके आभारी हैं। साथियों, आज जो देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन हमारे जिंदा रहने का आंदोलन है, वो आंदोलन हमारी जीविका बचाने का आंदोलन है। पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद कर दिया जाए, पूरे देश का अन्न पैदा करने वाले उन्हीं के भरोसे पे जिंदा रहें, जिस भाव में मर्जी खरीदें, और पूरे देश के लोग उन्हीं से मोल लेके खाएं, जिस भाव पे वो लोग मर्जी दें, ऐसे कानून बना दिए गए हैं। और यहां पे स्थितियां ये पैदा हो गई हैं कि अब इस देश के अंदर अमीर लोग ही जिंदे बचेंगे, और जो निचले हैं वो भुखमरी का शिकार होते जाएंगे। साथियों, हम एमएसपी की मांग करते हैं, न्यूनतम की मांग करते हैं, कम से कम जो सरकार ने तय किया, हमारे कहने से नहीं किया, जो अपनी मर्जी से किया, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से नहीं किया, लागत के हिसाब से भी नहीं किया। लागत के हिसाब से करें, आज एक क्विंटल गेहूं की लागत 2300 रुपए है, हरियाणा सरकार का खेती विभाग का आंकड़ा है। हमें तो 1975 ही मिल रहे हैं, एमएसपी तो 1975 ही है, लेकिन आज खुले बाजार के अंदर अगर मध्य प्रदेश में जाके बेचें, अगर हम राजस्थान के किसानों का भाव देखें, तो खुले बाजार के अंदर आज 1700 रुपए मिल रहा है। क्यों? हम न्यूनतम मांग रहे हैं। देश का आंकड़ा जो हमारे सामने आया, अगर हमारी 23 फसलें जिनका एमएसपी तय होता है, अगर न्यूनतम भाव पे बिकती हैं, तो हमारा 17.25 लाख करोड़ कीमत बढ़ती है, लेकिन आज 13-13.5 लाख करोड़ हमें मिलता है बाजार में। इसका मतलब ये है कि कम से जितना मिलना चाहिए, उससे भी हमें 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए कम मिल रहा है।
ये है हमारी गरीबी का कारण, ये है हमारे टूटने का कारण। और जो अमीर बन रहा है देश की नीतियों से, देश के कानूनों से, बेच रहे हैं इस देश को। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ सारे देश की आमदनी नीचे गई, लेकिन अंबानी की आमदनी 73% बढ़ी। सारा देश टूटने में गया, अंबानी की 90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन है। 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है एक दिन की 2160 करोड़। एक दिन की 2160 करोड़ का मतलब है कि एक दिन की कमाई में 10,000 एकड़ मोल ले सकता है। फिर तो ये 10 साल बाद एक अंबानी स्टेट होगा, एक अडानी स्टेट होगा, एक बाबा रामदेव स्टेट होगा। अरे सवाल है हमारी जीविका बचाने का। इन्होंने कहा है हमारे देश की सरकार WTO में शामिल हो गई है। वन नेशन वन मार्केट नहीं, वन वर्ल्ड वन मार्केट होगी। पूरे देश का व्यापार इकट्ठा, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा कर दिया गया है। और अब आपकी फसल, अब हिंदुस्तान के किसान की फसल वर्ल्ड मार्केट के रेट में बिकेगी। आज वर्ल्ड मार्केट में गेहूं का अगर खुले बाजार में भाव है तो 1700 मिलेगा, 1975 आपको नहीं मिलेगा। अगर वर्ल्ड मार्केट के रेट में मिलेगा तो फिर 700 का रेट आपको 3200 से 3500 मिलेगा। अगर वर्ल्ड मार्केट के रेट से मिलेगा तो फिर आपको धान का 1100 रुपए मिलेगा, 1888 रुपए नहीं मिलेगा। साथियों, वर्ल्ड मार्केट का रेट अमेरिका के, यहाँ का किसान क्या अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? यहाँ के 80% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। अमेरिका में 10 वर्ग किलोमीटर की एवरेज है किसान के पास, किले नहीं है वहां, किलोमीटर है 10 वर्ग किलोमीटर। आपके पास 5 किले हैं, उनके पास 10,000 किले हैं, क्या मुकाबला कर पाओगे? ये उन चीजों में अमेरिका का मुकाबला नहीं करते जो मूल जरूरत है। अमेरिका में तो बच्चा पैदा होता है सरकार का खर्चा है, अगर पालना है परिवार उसके माँ बाप नहीं पाल सकते, सरकार बच्चा ले जाएगी, सरकार पालेगी, पढ़ाएगी फ्री, इलाज फ्री, बुढ़ापा फ्री, बेरोजगार हो गया तो उसको भत्ता मिलेगा। हिंदुस्तान में क्या है? अरे हम उस देश में जी रहे हैं जहाँ 70 साल की आजादी के बाद अगर हमारे परिवारों से कोई बीमार हो और 10 लाख 20 लाख रुपया लगे तो आज भी देश की 80% जनसंख्या है जो नहीं लगा सकती। ये उन पॉलिसियों में तो अमेरिका का मुकाबला नहीं करते। जहां हमारे अनाज बेचने की बात आती है वहां ये अमेरिका का मुकाबला करते हैं। अरे हिंदुस्तान की खेती व्यापार नहीं है, अमेरिका की खेती व्यापार है। अमेरिका में 43 लाख रुपए किसान को सब्सिडी है, हिंदुस्तान में क्या दे रहे हैं ये लोग? हिंदुस्तान की खेती व्यापार नहीं है, हिंदुस्तान की खेती हमारी जीविका है। और आज इन कानूनों के चलते आज देश के अमीरों को और अमीर बनाने की पॉलिसी से आज हमारा देश भुखमरी इसका कदर है कि 107 भुखमरी वाले देशों में आज हमारा देश 102वें स्थान पे है। ये आंकड़ा निकल के आ रहा है देश का, हमारा नहीं है, सरकार का है। कितनी आमदन है यहाँ किसान की? 2014 में आंकड़ा आया, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा है, हमारा नहीं है। जो एवरेज आई एक परिवार की, जो एक किसान परिवार की एवरेज आई वो आई है 3,081 रुपए एक महीने की। क्या 3,081 में अब 5,000 होगी होगी, 6,000 होगी होगी? अब का ताजा आंकड़ा मेरे पास नहीं है, 2014 का आंकड़ा है। हर 10 साल बाद वो सर्वे करते हैं, 2024 में फिर सर्वे करेंगे। किस आमदन पे जी रहे हैं हम? हमारी लड़ाई है, हमें लड़ना ही पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता हमारे पास कोई नहीं है। हमारी अमीर बनने की लड़ाई नहीं है। और साथियों, लड़ते हैं तो सरकार कहती है दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। अरे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमने परमिशन मांगी दिल्ली में जाने की, उन्होंने कहा दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। 30-35 मुकदमे 307 के दर्ज कर चुके हैं, कल भी एक और मुकदमा दर्ज कर दिया है, कई लोगों को कल गिरफ्तार कर लिया है। शाहबाद के अंदर भी आंदोलन चला हुआ, थाने का घेराव किया हुआ है। रोहतक के अंदर विरोध किया, लाठ मार मार के सिर पाड़ दिए गए हमारे बुजुर्गों के। साथियों, ये सरकार नहीं है जो हमें जाति के नाम पे बांटती है, धर्म के नाम पे बांटती है, इलाके के नाम पे बांटती है और हमारा शोषण हो रहा है।
लेकिन अब टाइम आ गया है, अब इस क्रूर सरकार से अगर हमें अपने कारोबार बचाने हैं, अगर हमें अपने जीविका बचानी है, तो केवल एक ही रास्ता है हमारे पास, वरना अकेले अकेले को पाड़ के मारेंगे ये लोग। हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज हमारे मजदूर हैं, आपके बीच में शायद बहुत से बैठे होंगे, या आ जाना चाहिए, अगर नहीं आए तो गलती मत करें वरना पछताएंगे। आज लेबर कानून बदल दिए गए, लेबर कानून बदल दिए गए, 18 घंटे तक काम करवा सकते हैं फैक्ट्री वाले आपसे। सारे लेबर कानून जो पहले 8 घंटे का था बदल दिए गए, अब जितने घंटे काम करवाएंगे उतने घंटे के पैसे देंगे, रेट भी उन्हीं के होंगे। साथियों, हमारे पास क्या है? हमारे पास मजदूरी है, हमारे पास अपने फसल के भाव है, दोनों चीज है। फसल के भाव की मैंने बता दिया, पर साल 4 लाख करोड़ का नुकसान है। मजदूरी का है, न्यूनतम मजदूरी हरियाणा के अंदर 9,500 के करीब है, हिमाचल में शायद कुछ और ज्यादा ही होगी। लेकिन हमारे लड़के जो बेरोजगार है, 6,000 में नौकरी कर रहे हैं शहर में जाके, 6,000 में नौकरी कर रहे हैं फैक्ट्री में जाके, छोटे उद्योगों में जाके। हमारी नौकरी भी लूट ली, वो भी मजदूर भी रगड़ दिए, किसान भी रगड़ दिए, दुकान वाले का व्यापार लेके मॉल वाले, या जो डायरेक्ट सीधा आप मंगाते हो, ऑनलाइन सामान मंगाते हो, वो कारोबार 4 गुना बढ़ने वाला है। सीधा फैक्ट्री को मुनाफा होगा, सीधा कंपनी को मुनाफा होगा, ये पूरा बाजार खाली रहेगा। कर्मचारियों के जितने महकमे जो सारे तोड़ दिए गए, सारे देश को प्राइवेट कर रहे हैं, सारे देश को बेच रहे हैं। साथियों, देश बेचने के लिए आजाद नहीं कराया था, देश के हवाई अड्डे बेच दिए, देश की सड़कें बेच दी, कंपनियां बेच दी, देश के बैंक बेच दिए, देश की रेलें बेच दी। छोटा क्या है देश का? सारा देश से रुपये लगा दिया गया है। ये देश बीजेपी वालों ने आजाद नहीं कराया था, ये आरएसएस वाले, ये तो देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था इनका, 1% योगदान नहीं था। इन आरएसएस वालों ने 60 साल तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, तिरंगा झंडा नहीं लगाया अपने दफ्तर के ऊपर। इनको क्या दर्द है हिंदुस्तान के बिकने का? आज ये हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाते हैं, कहते हैं लाल किले के ऊपर झंडा चढ़ा दिया। उस हम नहीं कहते कि ठीक था झंडा चढ़ाना, इन्हीं का आदमी था। मोदी के साथ फोटो मिल रही है, अमित शाह के साथ उसकी फोटो मिल रही है, शरारत करवाई है। लेकिन फिर भी जो झंडा चढ़ाया गया वो धार्मिक निशान था, ना कि वो खालिस्तानी झंडा। तो उसको खालिस्तानी झंडा बना के हमारे में फूंक डाली गई, हमारा कत्ल करा दिए होते इन्होंने। साथियों, आज हमें ये तिरंगे की इज्जत सिखाते हैं। अरे, हमारे तो जवानों की लाशें लिपट लिपट के आती है तिरंगों में। कोई एक बता दे किसी एक पूंजीपति का बेटा तिरंगे में लिपट के आया हो, किसी एक पूंजीपति का बेटा देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ हो। ये हमें तिरंगे की इज्जत सिखाते हैं, ये हमें सिखाते हैं आजादी क्या है, ये हमें सिखाते हैं भारत की, भारत का सम्मान क्या है। साथियों, आज इनके विरुद्ध हम सभी को इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकान वाला है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो आड़ती है। हरियाणा और पंजाब में आड़त का काम बहुत अच्छा था, और उसी मंडी के सिर पे हरियाणा और पंजाब का किसान डेवलप हुआ था। उन मंडियों को ध्वस्त कर रहे, उन मंडियों को तोड़ रहे। शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद बंद कर दी जाए, सब प्राइवेट खरीदेंगे और पूरी वर्ल्ड के भाव पे खरीदेंगे। हिंदुस्तान से सस्ता मिलेगा तो हिंदुस्तान से खरीदेंगे, ऑस्ट्रेलिया से सस्ता मिलेगा तो वहां से खरीदेंगे, हिंदुस्तान में महंगा बिकेगा तो वहां बेचेंगे, और अगर वही माल पाकिस्तान और बांग्लादेश में महंगा बिकेगा तो वहां बेचेंगे। साथियों, ये कानून हिंदुस्तान के सूटेबल नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान की जनता को ये लड़ाई किसानों की नहीं है। भड़के में मत रहिए, किसी गलत भय में मत रहिए, केवल किसानों की लड़ाई है। ये लड़ाई है जनता वर्सेस कारपोरेट। पूरे देश में वो कानून बढ़ रहे हैं कि निचले आदमी की जेब से पैसा निकले और वो पूंजीपति की जेब में जाए। जनता वर्सेस कारपोरेट, पूरे देश की संपत्ति हड़प रही है कारपोरेट, जो मैं आंकड़े आपको देके हटा हूं। पूरे देश का कारोबार हड़प रही है कारपोरेट। साथियों, हमारी जिंदा रहने की लड़ाई है, और जिंदा रहने के लिए
केवल आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वोट देने से बात नहीं बनेगी। वोट तो हम जाति के नाम पे देते हैं, धर्म के नाम पे देते हैं, इलाके के नाम पे देते हैं, वोट हमने कभी कारोबार के नाम पे दी ही नहीं। हम पहचान ही नहीं पाए हमारा दुश्मन कौन है, हमारा मित्र कौन है। और ये राजनेता मित्र होते भी नहीं किसी के। हमने हरियाणा सरकार वालों से कहा था, हरियाणा के एमएलए से कहा था कि आप अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दीजिए, हमने 70 साल से आपको वोट दी है। आज हरियाणा की जनता एक बार आपसे वोट मांग रही है, 70 साल हम वोट देते रहे हैं, एक बार हम एमएलए की वोट मांग रहे हैं कि इस सरकार को गिराइए और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट कीजिए, नहीं दिया। अब जहां जा रहे हैं जूते पड़ रहे हैं लोगों के, हमारे नहीं है ये लोग। राजनीति से हमने बदल बदल के देख ली, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, दूसरा तीसरा चौथा आया, लेकिन हमारी हालत वही रही। साथियों, आंदोलन आज छुट्टी पर है और इसमें मैं आपके आपसे बेनती कर रहे हैं हम आपसे कि इस आंदोलन को और मजबूत करने की जरूरत है। इस आंदोलन में आपके हर बच्चे बच्चे की, हर घर से, हर माता की, हर बहन की, हर भाई की सहयोग की जरूरत है। साथियों, ये आंदोलन लंबा चल सकता है, हमें नहीं पता कब तक चलेगा, 2024 तक चलेगा या अभी खत्म हो जाएगा, क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या इसमें और कुछ होने वाला है, हमें नहीं पता। लेकिन तब तक लड़ेंगे जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। साथियों, उसके लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप जितना उसमें योगदान पा सकते हैं, कोई फेसबुक पे लिख सकता है, कोई वहां जाके बैठ सकता है, कोई लंगर की सेवा कर सकता है, कोई अपने शहर में प्रदर्शन कर सकता है, कोई अपने चौक में फट्टा लेके खड़ सकता है, कोई अपनी सड़क में फट्टा लेके खड़ सकता है, जैसा जैसा कोई योगदान पा सकता है वैसे वैसा योगदान डालिए। जैसी किसी की समर्था है, जैसा परमात्मा ने किसी को समर्था दी है, उस समर्था से आप सभी काम करिए। और जो हमारे दूसरे भाई हैं, मैं तो कई बार ये कहता हूं कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनको साथ जोड़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो भी पिसे हुए लोग हैं, वो भी कुटे हुए लोग हैं। एक आदमी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अगर ये किसान और मजदूर इकट्ठे हो जाए ना तो 1 और 1 11 हो जाएंगे और इनका मेल बढ़ता है। उसने उदाहरण दिया कि बाजरे की खिचड़ी है, बाजरे की खिचड़ी में अगर दूध मिलाओ तो मेल नहीं खाता, लेकिन बाजरे की खिचड़ी में अगर लस्सी मिला दो तो मेल खाती है। फिर उसने उदाहरण दिया, क्योंकि बाजरा मुसल के नीचे कुटा हुआ है, लस्सी मधानी के नीचे कुटी हुई है। अगर हम दोनों कुटे हुए लोग, अगर हम दोनों वर्ग जो सरकार द्वारा शोषित है, जिनका शोषण हुआ है, जो कारपोरेट द्वारा लूटा है जिन लोगों को, अगर वो दोनों वर्ग किसान भी और मजदूर भी अगर इकट्ठे हो जाए तो सरकार को जरूर पीट सकते हैं। और उसके लिए हम कई जगह बेनती करते हैं कि अपने में सद्भाव बढ़ाइए, बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों? हमें लगता है कि इसने हमारा शोषण कर लिया। साथियों, एक उदाहरण है कि एक पास लगोटी है, दूसरा नंगा है, उस नंगे को बताया गया कि ये लगोटी तेरी है, अपनी लगोटी छीन ले, वो उस पे झपट रहा है लगोटी वाले पे, लेकिन ये भूल गया कि अगर तू इसकी लगोटी छीन भी लेगा तो तू नंगा हो जाएगा। इसमें आंदोलन में सहयोग कीजिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो हमारे स्वर्ण जाति के भाई हैं वो अपने अपने घरों में अंबेडकर साहब की फोटो लगाएं, और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो लगाएं, क्योंकि दोनों नेता जुर्म के विरुद्ध, दोनों नेता शोषण के विरुद्ध लड़ते रहे। साथियों, बस 2-3 बातें हैं वो कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। पटियाले में और पंचायत रख दी है और जबरदस्ती रख दी है, उसमें बहुत जरूरी वो बुला रहे हैं, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा, आपके थोड़े थोड़े समय के लिए दर्शन कर पाऊंगा। साथियों,
ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में जो भाई सब सहयोग ना करे, धर्म युद्ध है मानवता को बचाने का। करोड़ों लोग भुखमरी से मरेंगे, उनसे बचाने का ये आंदोलन है। गरीब को बचाने का आंदोलन है, मजबूरों को बचाने का आंदोलन है, मानवता को बचाने का आंदोलन है। धर्म युद्ध है ये। इस धर्म युद्ध में जो भाई सहयोग ना करे, वो किसी भी पार्टी का हो, बिना पार्टी के हो, कोई भाई हो, जो भाई इस धर्म युद्ध में सहयोग ना करे और वो कल किसी तरह के चुनाव में खड़ जाए, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे पंचायत मेंबर का हो, किसी तरह का चुनाव हो, अगर वो भाई चुनाव में खड़े जिसने इस आंदोलन में कोई सहयोग नहीं किया, उस भाई को वोट मत डालना, बाकी चाहे किसी को डाल दे। साथियों, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है, हम किसी से झगड़ते नहीं है। जहां जाना है कहीं पुलिस रोकती है, वो डंडे मारे, बेशक मारे, हमने हाथ नहीं उठाना। अधिकारी बीच में आए, हमने नहीं झगड़ना। हाँ, अगर ये बीजेपी वाले, इनके सहयोगी, वो जहां भी प्रोग्राम करें, वो जहां भी आए, उनका जरूर बहिष्कार करना है, उनका जरूर हमने विरोध करना है। लेकिन हमारे लोगों में आक्रोश थोड़ा ज्यादा है, कदर करते हैं, स्वागत तो उनका करना है, पर ऐसे नहीं करना जैसे पंजाब वालों ने कर दिया था। पता है ना आपको, ऐसे ना थोड़ा सा हल्का हाथ रखना, यूपी में भी कर दिया। तो साथियों, उनका हमने विरोध करना है, लेकिन शांतिपूर्वक करना है, नारे लगाने हैं, झंडे दिखाने हैं, विरोध करना है, जरूर करना है, लेकिन मारपीट से, उपद्रव से बचना है। और साथियों, ये अंबानी है, अडानी है, और अब तो एक ऐसा और पैदा हो गया, हमारा बेवकूफ बनाते हैं उसको, बाबा बोलते हैं, बाबा रामदेव, अब लाला रामदेव बोलते हैं उसको। इनके सामानों का बहिष्कार करना है, इनका सामान मत खरीदा करो, बाकी किसी का खरीद लिया करो, छोटे मोटे फैक्ट्री वाले का, इनका सामान मत खरीदा करो। तो साथियों, बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भाई आपके गांव का, आपका रिश्तेदार आज तक इस धर्म युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाया है, उन सबको आप प्रेरित करें, वो सब इस धर्म युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि ये मानवता को बचाने का है, ये इंसानियत को बचाने का है, ये हिंदुस्तान को बचाने का आंदोलन है। आप इतनी संख्या में आए, हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो आयोजक हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।